हेलो फ्रेंड्स, स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए और शानदार ट्रिक के साथ में लेके आए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे और एसएससी के अंदर रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए, उनका हम एनालिसिस करने आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे जो 1999 के अंदर एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया, देखिए आपको x का मान यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो खाली जगह उसके बारे में देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 12 और 15 को गुणा करेंगे, उसके बाद में 12 और 15 को गुणा करते हैं, या फिर देखिए 12 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पर 60 है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों को 12 इंटू 5 करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो रहा है, और 15 × 4 करेंगे तो 15 × 4 यहाँ पर भी 60 हो रहा है, यहाँ पर भी 60 हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे 6 × 7 करेंगे और 3 × 14 करेंगे तो यहाँ पर भी 42 और यहाँ पर भी 42। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 × 6 करेंगे, 13 × 6 और 26 × 3 करेंगे तो देखिए 6 × 3 = 18 आंसर लगी, 1 × 3 = 6 = 7 और 13 × 6 = 78 तो इसका राइट आंसर क्या है, 78। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 78 आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 78 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 दे रखा है, और यहाँ पर चित्र 2 के अंदर एक प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी यहाँ पर जो क्या आएगा वो आपको देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखते इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, तो इसका राइट 10। देखेंगे 9 + 10 = 19 19 और 10 = 30 30 और 12 = 42। अब देखेंगे 5 5, ये से देखेंगे, देखिए 5 और 6 आपके हो जाएगा 5 6 11 11 और 15 कितना हो जाएगा आपका 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 होगा। या इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ना आपका राइट आंसर क्या, 26 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये प्रश्न समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट्स जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी 1999 और बीएड 2009 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न रेलवे के अंदर भी पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 27, उसके बाद में 21, उसके बाद में 15, इसमें से हम लेस करेंगे कितने, 6, इसमें से भी लेस करेंगे 6, इसमें से लेस करेंगे 6, तो क्या आएगा 9 आपका, कितना आएगा 9। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 15 6 21 प्लस कर लीजिए और 21 + 6 कर लीजिए, उसके बाद में अगर +6 करते हैं तो हमारे पास में हो जाए 33, लेकिन 33 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या है, 9। क्या है, 9 आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर पूछा गया है, और इसमें देखिए दो संख्या इधर है, बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी। दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखना होगा कि देखिए 2 × 3 कितने हो रहे, 6, 7 × 12 कितने हो रहे, 84, 9 × 15 कितने हो रहे दोस्तों, 9 × 5 = 135। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 135 आपका राइट आंसर। तो देखिए कुछ सेकंड, 10 सेकंड में इसका उत्तर आया, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर फ्रेंड समझ में नहीं है तो आप हमें देख सकते हैं 94 610 41 363 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप के अंदर जोड़ सकते हैं, तो इस ग्रुप के माध्यम से आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। और हमारा पूरा का पूरा रोजाना जो वीडियो, हमारे तीनों एक साथ वीडियो हैं, वो आपको शाम को मिल जाते हैं, शाम को 7 बजे आपको पूरे के वीडियो आपको मिल जाते हैं, तो शाम को 7 बजे ऑल वीडियो एक साथ देख सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी 2002 और बीएड 2008 के अंदर पूछा गया है। अब इसमें भी बीच वाली संख्या है, इसमें पहले की 4 संख्या है, पहले 2 थी, अब यहाँ पर 4 संख्या है। दोस्तों, ये चारों संख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले 1 + 3 + 2 + 1 इनको जोड़ लीजिए, 4 × 1 = 5 5 कितने हो रहे, 10, इनको लीजिए 4 9 10 11 11 और 3 14, उसके बाद देखेंगे 6 और 5 = 11 11 15 15 3 = 18। अब देखेंगे इसे इंटू 3 कीजिए, इसे इंटू 3 कीजिए, इसे इंटू 3 कीजिए, 30 आ रहा है,
बयालीस 12 और 18 18 36 36 उनतीस 36 18 54। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेकंडों के अंदर इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 54 आपका राइट आंसर क्या है? 54। दोस्तों हमेशा ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन आप जरूर करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एसएससी 2002 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे आधी कटी हुई रेखाएं हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं। देखिए क्या है प्रश्न, देखेंगे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करना है और यहाँ जो संख्या आपके छः कैसे आए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ छः आया कैसे, यहाँ आठ आया कैसे। तो देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो रहा है 36। 36 में मैं 6 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में 6 आ रहा है, क्लियर। अब इन दोनों को यहाँ पर आप देखेंगे नहीं सॉरी यहाँ 96 है 36 नहीं है, इन दोनों का गुणा करेंगे 36/6, इन दोनों को मैं करूँ 24×3/9, तो 3 से यहाँ पर कितने 3 बार करें, 3 से ये 8 बार, कितनी बार 8 बार। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 15×6/9, तो यहाँ पर देखेंगे 3×3 9 और 3×5 15, 3×2 6 और यहाँ देखेंगे 5×2 10। तो इस पर्सन का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आपका हो जाएगा। तो देखिए 30 से आपको 30 सेकंड भी नहीं, 20 सेकंड के अंदर मात्र इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो खाली जगह पर्सनवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन से बहुत बार परीक्षा के अंदर देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए सात, या तो आपको इधर चलना है या फिर इधर चलना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ 7 और 4 कितने हो रहे, 7 4 11 हो रहे। उसके बाद देखेंगे 9 15 यहाँ पर नहीं। अब देखें अब हम किस इधर चलेंगे, इधर इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर चलेंगे। चलिए देखिए 7+9 कितने हो रहे, 7+9। अब मैं इस संख्या को मैं माइनस कर लेता हूँ, क्या कर ले तो मैंने, तो मेरे पास में 16-5 कितने हो रहे हैं 11। तो ये बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे मैंने 4+15 को जोड़ा और माइनस मैंने 12 किया है, तो यहाँ पर 3 और 3 और 4 कितने बजे 7। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 13+8-11, तो यहाँ 11 लेस करेंगे तो पीछे कितने बचे गए 2 2+8=10, क्या होगा 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 10 आपका राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 10 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारा जो क्वेश्चन है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, सबसे यहाँ पर भी सिंगल संख्या है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर देखिए डबल है, यहाँ पर भी डबल है। अब कैसे करना है इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद में मुझे कमेंट्स करना है कि समझ में आया या नहीं है। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए देखो यहाँ पर हमारे पास में 45 है, उसके बाद मेरे पास में 29 है, क्लियर है 29। अब इसमें ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर देखिए उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर 15 है और उसके बाद में मेरे पास में यहाँ 17 है और यहाँ मेरे पास में 21 है, क्या है 21। देखिए अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए अब मैं कर रहा हूँ आपको 45-16 29, ठीक है कितने हो रहे 29। अब देखेंगे 29-8 कितने हो रहे 21। अब देखेंगे 21-4 17, 17-2 15 15। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन आपका समझ में आ गया, 15-1=14। बहुत देखिए ऐसे प्रश्न, अब इसका दिमाग लगाना है, देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ ये समझ में आई, रामायण जो रामायण हमने की है। देखिए 45 में से मैं -16 करता तो मेरे पास में 29 आते हैं, 29 में से फिर मैं 8 लेस करता हूँ तो मेरे पास में आते हैं 21, 21 में से मैं 4 लेस करता हूँ मेरे पास आते हैं 17, 17 में से -2 करूँगा 15 आएगा, 15 में से -1 करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा
14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 14 आपका राइट आंसर है। और चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, ये जो अंतिम प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, रेलवे और एसएससी के अंदर पूछे गए प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा 15 19 है, तो 15 और 19 को दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास में 34 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 62 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में असल की एक, देखिए असल की एक, उसके बाद देखेंगे 3 और 4 5 और 6 62। तो इसका राइट आंसर क्या है, 62 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। जय हिंद दोस्तों, नए अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।